हेलो सन मून एंड राइजिंग जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आप से रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। ओके, सो मस्ट फॉलो माई फेसबुक पेज। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है। टाइमलेस मीन्स जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। आप मेरे दूसरे टाइमलेस मैसेजेस भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और कलेक्टिव मीन्स कि जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लें। सो लेट्स सी कि जेमिनाइज के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स फॉर जेमिनाइज पर्सन करंट फीलिंग्स फॉर जेमिनाइज पर्सन करंट फीलिंग्स फॉर जेमिनाइज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनाइज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ओके, वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है थर्ड पार्टी सिचुएशन से। कुछ क्लैरिटी मिली है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर वो हार्ट ब्रोकन है और यहाँ पर कुछ चेंज आया है, कुछ एंड हुआ है। बट अब वो या तो उन्होंने अपने आप को काम में बिजी किया हुआ, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, या वो फिक्सिंग चाहते हैं सिचुएशन में जो ख़राब हुआ है उसमें फिक्सिंग चाहते हैं। यस, वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उनकी कोई डिज़ायर है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, और या फिर वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जो कि उनको लगता है कि इस टाइम पर चैलेंजिंग है और वो काम पूरा नहीं हो सकता। कोई डिज़ायर है उनकी जो पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर वो हील करना चाहते हैं किसी सिचुएशन में, या अपने आप को हील करना चाहते हैं और उसमें वो हील नहीं हो पा रहे हैं। कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। उनको वो कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। वो अपने आप में एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, अपने आप में, जैसे मैंने कहा कि हील करना चाहते हैं, हील करके मूव ऑन करना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, अपने आप को हैप्पी रखना चाहते हैं। यस, वो थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं और अपने आप को सिंगल रखने में वो, या अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट रखने में, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्क में बिज़ी रखना चाहते हैं, अपने फाइनेंसिस पे काम करेंगे, वर्क वर्क वर्क, और जस्ट एक सिंगल लाइफ जो कि अबंडेंट लग्जरी लाइफ होती है। लाइक वो अपने आप को एक सिंगल पर्सन रख के हर सिचुएशन से फ्री होकर सेल्फ डिपेंडेंट होकर इंडिपेंडेंट होके वो रहना चाहते हैं इस वक्त में। अपने आप को हैप्पी रखना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। वो दूसरों की खुशी को इस वक्त में थोड़ा सा साइड पे रख के अपनी खुशी को पे फोकस करना चाहते हैं। यस, हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं। लेट्स सी कि अदर मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं। यस, अपनी इंस्टिनक्ट को यूज़ करते हुए वो अपने लिए फैसले कर रहे हैं, ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पे वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे उनकी ज़्यादा फोकस है। बिटर स्वीट, हो सकता है उनके जुमलों से आपको कुछ ऐसा लगता हो कि वो बात तो ऐसे नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन उनके बातें ऐसी हैं जो कि आपको चुप सकती हैं, जिस इस तरह की उनकी कम्युनिकेशन हो। और वो रिकवरी चाहते हैं, वो किसी हो सकता है वो अपनी हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जिसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ रहा है, और वो जस्ट या तो जो भी हुआ उससे वो निकलना चाहते हैं, अपने आप को रिकवर करना चाहते हैं, जो हार्ट ब्रेक्स उन्हें मिले हैं उससे वो निकल के अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कर रहे हैं या कर रहे हैं, जो भी हैं, जनरलाइज रीडिंग है। ओके, फ्री योरसेल्फ, ये उनके लिए इस वक्त में एडवाइस है। वो अपने आप को अगर बाउंडेज में महसूस करें, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है उन्हें इस वक्त में, क्योंकि मेक द एफर्ट, तो ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। हो सकता है इस वक्त में इस रिलेशनशिप के लिए यही बेहतर हो कि वो थोड़ा सा साइड कर लें अपने आप को। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू,
नाउ ये भी उनको कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ये सारी एडवाइजेज हैं इस टाइम पर कि उनको क्या करना चाहिए, डिवाइन की तरफ से हेल्प है उन्हें, उनके इंट्यूशंस के थ्रू उनको कहा जा रहा है, और ये सब कुछ कहा जा रहा है कि वो जल्दी से डिसाइड करें कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उनको ज़रूर मिलेगा। इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो यहाँ पे वो अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्हें डिवाइन की तरफ से ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि ठीक है आप अपनी ग्रोथ पे वर्क करें, लेकिन अपने हार्ट को भी ओपन करें, क्योंकि वो थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं, हो सकता है उन्होंने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज क्रिएट की हों। तो ये भी उनको डिवाइन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि ये लव आपके लिए अच्छा है, ये जो भी करंट लव है वो आपके लिए अच्छा है, तो अपने हार्ट को थोड़ा सा ओपन भी कर सकते हैं आप, बट यहाँ पर अपने आप को फ्री करना होगा, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना होगा और मेक एफर्ट में पुट करनी है उन्हें अपने आप को संभालने में, ओके हील करने में, उन्हें जो हार्ट ब्रेक मिला है उससे हील करना है, बट अपने हार्ट को भी ओपन करना है। ये यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस है उनके लिए। सो लेट्स सी के यहाँ पर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। हेयरपॉट, तो वो स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर सकते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, यस अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करें, कमिटमेंट हो सकता है, वो अपने आप में सिंगल रहने की कोशिश करें और उनकी तरफ से उनको कमिटमेंट देनी है, अगर उनकी तरफ से आप कमिटमेंट चाहते हैं तो कमिटमेंट आ सकती है, या स्टेबिलिटी वो लाने की कोशिश कर सकते हैं, या आपसे दोबारा से इस रिलेशनशिप को स्टेबल कर सकते हैं, यस एक नया स्टार्ट उनकी तरफ से हो सकता है। सो दैट वाज योर रीडिंग, इफ इट्स जस्ट एनर्जी प्लीज लेट मी कंफर्म एंड कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।